हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। देखिए, हमारे बेबी किचन में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी रेसिपी लेकर आए हैं, जो हमारे शुगर वाले भाई बहनों के लिए हैं, जिनको शुगर पड़ जाती है। और देखिए, कौन कहता है कि शुगर के मरीज आलू नहीं खा सकते, इसलिए हम बताते हैं कि कैसे बनाना और कैसे खाना है। कई भाई बहन ऐसे होते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आलू मत खाओ, आलू खाने के लिए तरस ही जाते हैं। लेकिन क्या है, आलू खाने में कोई परेशानी नहीं है, लेकिन बनाने का थोड़ा तरीका अलग होना चाहिए और फिर आप आलू खा सकते हैं। और दिन में आलू का सेवन कीजिए। ये देखिए 250 ग्राम। और देखिए, आज हम आलू की सब्जी बनाते हैं और इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की आवश्यकता पड़ती है जान लेते हैं। ये 250 ग्राम आलू कच्चे, एक बारी कटी हुई प्याज, 4-5 पोथियां लहसुन की छिली हुई, जीरा, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर और नमक। अब हम क्या करते हैं, आलू को ऐसे बीच से काट देते हैं, ऐसे सारे आलू ऐसे ही काटने हैं। ये देखिए, और देखिए ऐसे करके दो दो पीस बनाने हैं आलू के। अगर ज़्यादा बड़ा आलू है तो 4 पीस बना लीजिए, अगर मीडियम है तो दो दो बना सकते हैं। और फिर इसके बाद क्या करते हैं, इसको हम पहले गैस ऑन करते हैं और गैस पर कुकर रखते हैं और उसके अंदर पानी डालते हैं। तब कुकर के अंदर हम कटे हुए आलू डालते हैं। अब कुकर बंद कर देते हैं। पहले इसमें थोड़ा एक चुटकी नमक डालते हैं, एक छोटा चम्मच डाल लेते हैं। देखिए, पहले आलू को धोना है और फिर काटना है, और काटने के बाद कुकर में इसको ऐसे डाल देते हैं। एक सीटी लगने तक इसको ऐसे ही रखते हैं। अब देखिए, हमारे कुकर में एक सीटी लग चुकी है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा इसका प्रेशर निकाल देते हैं ऐसे, और अब हमारे आलू उबल चुके हैं। क्योंकि उबलने के बाद इनकी जो शुगर होती है, आलू के अंदर जो मीठापन होता है वो निकल जाता है। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। और देखिए, हमारे आलू बिल्कुल उबल चुके हैं, अच्छे से गल चुके हैं। अब हम इनको छीलते हैं ऐसे, इनको छील करके रखते हैं। और जब तक हम आलू छीलते हैं, गैस पर कढ़ाई रखते हैं और उसमें थोड़ा घी तेल डाल देते हैं, बिल्कुल थोड़ा। हम इसमें एक छोटा चम्मच रिफाइंड डालते हैं, बिल्कुल एक छोटा चम्मच, ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये हम अपने शुगर वाले भाई बहनों के लिए बना रहे हैं, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं चलेगा। और इसको गर्म हो, जब तक ये गर्म होता है आलू छील लेते हैं। और ये देखिए, हमारे सारे आलू छिलकर बिल्कुल तैयार हैं। अब तब तक हमारा रिफाइंड भी गर्म हो चुका है। अब हम इसमें एक चुटकी जीरा डालते हैं, और जीरा थोड़ा ब्राउन होने तक इसको घुमाते हैं। अब इसके बाद हम बारीक कटा हुआ लहसुन डालते हैं। अभी थोड़ा ब्राउन करते हैं। तो देखिए, ये आलू की सब्जी वैसे तो कोई भी खा सकता है, अच्छी है, लेकिन शुगर वाले भाई बहनों के लिए ऐसे ही आलू की सब्जी बनाइए और उनको खिलाइए, कोई तकलीफ नहीं होगी और बिल्कुल अच्छे से, क्योंकि इनकी शुगर जैसे हमने काट करके उबाले हैं तो इनकी शुगर पहले निकल चुकी है, अब सिर्फ खाली आलू आलू बचा है। तो देखिए, पहले हमने इस्तेमाल किया इस चीज़ को, तब हम आगे बता रहे हैं। अब इसमें हम प्याज डालते हैं, तो देखिए हमारा छौंक बिल्कुल तैयार है। अब हम क्या करते हैं, आप चाहे तो आलू काट सकते हैं, लेकिन हम इनको ऐसे ही तोड़ लेते हैं, काटेंगे नहीं ऐसे।
अब अब इनको कढ़ाई के अंदर डालते हैं ऐसे। अब इसमें हम एक छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालते हैं और इसको ऐसे थोड़ा बारीक कर देते हैं। तो देखिए ऐसे बारीक करने के बाद हम इसमें मिर्ची पाउडर डालते हैं और नमक डालते हैं स्वादानुसार। आपको मिसाल का जैसा भी लेते हैं वैसे डाल लीजिए, लेकिन एक ही साथ नमक डालना है, इसमें दोबारा से नमक नहीं डालना क्योंकि ये नमक इसमें पक जाता है। अब हम इसके अंदर पानी डालते हैं, एक गिलास पानी डाल देते हैं। अब इसको अच्छे से ऐसे घुमाते हैं और थोड़ा पकाते हैं। और देखिए हम वही वीडियो डालते हैं जो अपने पर इस्तेमाल करते हैं, हमारे घर में जो हमारे फादर थे, हमारे ससुर जी, उनको शुगर काफ़ी थी लेकिन वो फिर भी आलू की सब्ज़ी खाते थे क्योंकि हम ऐसे ही बनाते थे और बनाने के बाद उनको खाते थे, इसलिए उनकी शुगर अच्छे से रहती थी, बढ़ती नहीं थी। जो मतलब जो पहले से है वो तो है, लेकिन आप चेक कीजिए और फिर सब्ज़ी खाने के बाद चेक कीजिए, आपका शुगर लेवल बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। अब हम इसको ढक देते हैं दो मिनट के लिए। देखिए हमारे आलू बिल्कुल तैयार है, अब हम इनको रोस्टते हैं। और देखिए हमारी आलू की सब्जी बिल्कुल तैयार है, आप खाइए और शाम से खाइए, खुश होकर खाइए, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। लेकिन जैसे हमने बताया बिल्कुल वैसे ही बनानी है और खानी है। और देखिए अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय माता दी दोस्तों।